खंडवा और खरगोन जिले में जारी है। अवैध उत्खनन का कारोबार प्रदेश सरकार को ठेंगा दिखाते हुए लाखों करोड़ों रुपए का कर रहे माफिया अवैध खनन बाहुबलियों के दम पर जारी है। अवैध उत्खनन का कारोबार एक्वाडक्ट पुल के नीचे से भारी मात्रा में बालू रेत का गोरखधंधा खूब फल फूल रहा है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में माफियाओं का बोलबाला जारी है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण गांवों में बोलबाला है। माफियाओं का मोरटक्का से लेकर ग्राम बिलोरा बुजुर्ग ग्राम कटार खेड़ी घाट नाव घाट खेड़ी में दिनदहाड़े भारी पैमाने पर हो रहा है। बालू रेत का अवैध उत्खनन अधिकारी देखकर भी कार्रवाई नहीं कर रहे, जो दिन दहाड़े हो रहा है। माफियाओं का कारोबार खूब फल फूल रहा है। ब्रिज के नीचे से दिन रात 5 से 10 ट्रैक्टर करते हैं अवैध खनन। राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर खंडवा पर दिनदहाड़े दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। माफियाओं के वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहा है। ओंकारेश्वर से दिलीप वर्मा की रिपोर्ट, आज की आवाज। क्षेत्रों में इस समय अवैध उत्खनन का बोलबाला है, आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? मानदाता उत्खनन, मानदाता में उत्खनन के लिए शिकायतें मेरे कलेक्टर से बोल चुका हूँ। देखिए, हमारी सरकार जितने भी खनन माफिया हो या मिलावट माफिया हो या अन्य भू माफिया हो, उसके लिए बड़ी जागरूकता से काम कर रही है। आप देख रहे हैं आए दिन टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जो खनन का काम यहाँ पे बड़े पैमाने पे चल रहा है, आपने मेरे संज्ञान में लाया और कुछ कुछ संज्ञान में मेरे पहले से भी है। इसकी कलेक्टर और ऊपर उच्च स्तरीय हम लोग शिकायत करेंगे और निश्चित इस प्रकार का अवैध जो काम चल रहा है उसको निश्चित रोकेंगे।